नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान विशेष में। दोस्तों, आज हम आपको जंगली भिंडी के अनसुने अद्भुत और जबरदस्त फायदे के बारे में बताएंगे। हम जिस भिंडी को खाने में इस्तेमाल करते हैं, उस भिंडी से ये जंगली भिंडी अलग होती है। इसकी खेती नहीं होती, ये अपने आप उत्पन्न होती है और 1 से 4 फीट ऊंची तथा सीधी बढ़ती है। इसके समस्त कांड पर रोए होते हैं और इसके पत्र एक समान तथा हरे रंग के होते हैं और पुष्प भिंडी के पुष्पों के सदस्य पीले रंग के होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसकी 3 से 4 प्रजातियां पाई जाती है। जंगली भिंडी का पौधा आपको खेतों की मेड़ों पर खाली पड़ी और बंजर जमीन में भी आसानी से मिल जाता है। जंगली भिंडी के फल भिंडी के फलों से छोटे होते हैं। इस पौधे के तने पर एक साथ कई भिंडियां आपको देखने को मिल जाएगी। इस भिंडी को तोड़ने पर अंदर से चिपचिपा भिंडी के समान ही पदार्थ निकलता है और इसमें गोल आकार वाले मखमली अनेक बीज होते हैं। ये कठोर होते हैं और सूखने के बाद भूरे रंग के हो जाते हैं। इस भिंडी के पत्र सामान्य भिंडी के पत्रों से अलग होते हैं, कभी कभी भिंडी के पत्रों के समान होते हैं। इसके फूल भी कई रंगों में होते हैं, कभी पीले रंग के, सफ़ेद रंग के और गुलाबी रंग के भी देखने को मिलते हैं। इन सभी का गुणधर्म एक समान ही होता है। जंगलों में इसकी एक और प्रजाति पाई जाती है, जिसके बीज कस्तूरी के समान सुगंध वाले होते हैं। अलग अलग प्रदेशों के बदलते हुए जलवायु के अनुसार इसके फूल और पत्तों में अंतर हो सकता है, लेकिन इसका गुणधर्म एक समान ही होता है। इसके आयुर्वेदिक गुणों की हम बात करें तो ये स्वाद में कटु, मधुर और तिक्त होती है। ये कफवात शामक और शीतल प्रकृति की होती है। इसके अलावा ये पेट को साफ करती है और आंख तथा हृदय के लिए हितकारी होती है। इसके पत्रों का गुणधर्म कामोत्तेजक होता है और कफ को दूर करने में फायदेमंद होता है। ये रक्त शोधक का काम करती है। ये पूरे शरीर का खून साफ करती है और कई प्रकार के चर्म विकारों को दूर करती है। इसके अलावा ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी उतने ही फायदेमंद है। इसके अलावा इसका उपयोग यौन दुर्बलता को मिटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस जंगली भिंडी के बीजों का क्वाथ या फांट बनाकर 15 मिली की मात्रा में रोजाना पीने से शरीर की दुर्बलता नष्ट होती है और तंत्रिका तंत्र मजबूत बनता है। जिन लोगों को स्वप्न दोष की बीमारी है, प्रमेह और घात की बीमारी है, ये लोग इसका सेवन कर सकते हैं। इसके प्रयोग से वीर्य के कई विकार दूर होते हैं और क्वालिटी बढ़ती है। दोस्तों, इसका सरल और आसान प्रयोग है। इस भिंडी के फलों को इकट्ठा करके साव में सुखा ले, फिर मोटा मोटा कूट के चूर्ण बना ले। इस चूर्ण को रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ सेवन करे। कुछ दिनों तक लगातार इसका प्रयोग करने से डायबिटीज कंट्रोल में हो जाती है। इस प्रयोग से शीघ्र पतन और स्वप्न दोष तो दूर होता ही है, साथ में शरीर की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग शरीर से दुर्बल है, शारीरिक रूप से कमजोर है, ये लोग इसका सेवन जरूर करें। दोस्तों, भिंडी के फल के अलावा इसकी जड़ भी उतनी ही कारगर होती है। अगर इसकी जड़ को साव में सुखाकर चूर्ण बनाकर इसका सेवन करते हैं तो गजब के फायदे मिलते हैं। इस प्रयोग से भी सभी प्रकार के वीर्य दोष दूर होते हैं और शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, ये भिंडी शरीर की यौन दुर्बलता को मिटा देती है और शरीर को बलवान बनाती है। इस भिंडी के चूर्ण का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और गजब के लाभ ले सकते हैं। इसका सेवन करने से शरीर हष्टपुष्ट और बलवान बनता है।